हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को ना देखा, वृक्षों पर पक्षियों को ना देखा, इनके घोंसले को ना देखा। इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा। संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है, चिड़िया दूर से अपने चोंच में दाना भरकर लाती है, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में डालती है, स्वयं भूखी रहती है निस्वार्थ निश्चलता, और जब संतान के पंख निकल आते हैं वो उसे उड़ना सिखाती है और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र छोड़ देती है अपना जीवन जीने के लिए, इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं, जिस संतान को हम पक्षी की भांति पालते हैं उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर ना चली जाए। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है जो स्वयं अपने और संतान के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वो प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है, इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। और मेरे साथ प्रेम से बोलते रहिए, राधे राधे।